हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से शाम के लिए, इस रात के लिए। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है कि मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आज हमें परमेश्वर बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे तुझे मैं चंगाई दूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, मैं तेरी देखभाल करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। तो आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें विश्वास रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय यहाँ पे 23:4 में लिखा है, और वचन नंबर यहाँ पे जब हम देखते हैं 23 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और उन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार करता है और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को क्या करता है, दूर करता है। हालेलुया, इस तरीके से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुर्बलताओं को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा हर प्रकार की बीमारियों से। आज किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियां आपके घर में है, किसी प्रकार की समस्याएं आपके घर में है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने का सकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पास पूरे जो सीरिया देश था उसमें परमेश्वर का यश फैल गया और तरीके से लोग आने लगे, नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, देखने लगे कि प्रभु चंगा करता है। लोग वैद्यों के पास जाना छोड़ दिए, डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दिए, परमेश्वर के पास लौट करके आए और परमेश्वर उसे चंगा किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, वहां पे बहुत सारे दुखित जो मन वाले थे, जो बहुत सारे बीमार थे, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थे, जो मिर्गी वाले थे, जो लकवे के रोगी थे, अनेक प्रकार की बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है, आज जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने काल के दौरान जब कार्य कर रहे थे, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो परमेश्वर उस समय लोगों को ठीक करता था। आज हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 5 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जो है वो लकवे का रोगी है, बहुत दुखित पड़ा है। उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए। केवल इतना ही सुनते ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज तक मैं ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा हूं जिस तरीके आज सूबेदार का है। जैसे आज सूबेदार का विश्वास हमने देखा, वैसे यदि आज हमारे जीवन में है कि प्रभु हमारे जीवन में, हम जब शब्द सुनते हैं तो हमें अचंगाई देगा, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुखों से परमेश्वर हमें बचाएगा। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराने का आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके सूबेदार ने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, ऐसा विश्वास तुम्हें कहीं पूरे गलील शहर में, पूरे कफरनहूम में, पूरे सीरिया में नहीं मैंने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि इस तरीके का विश्वास देखा जाइए आज हमारे जीवन में। हालेलुया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा जैसा विश्वास। सूबेदार ने कहा कि प्रभु यदि तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा जैसा विश्वास, तेरा जैसा मन, वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी, उसी वक्त उसका सेवक क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो आज हमारे जीवन में जरूरत है कि हम प्रभु के वचनों को सुने, ध्यान से सुने और प्रार्थना करें, विनती करें, विश्वास करें कि आज हमारे जीवन में हो जाएगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मत डर, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत कई बार किया कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके से आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे अंदर ताकत आती है, हमारे अंदर विश्वास आता है कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा। आज हमारी बीमारियां, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना आज हमारे जीवन में, हर एक चीज में हमारी परमेश्वर देखभाल करेगा, हमारी चिंता करता है। हालेलुया, इसीलिए जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा एक स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आती है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 21 में लिखा है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने मन में यह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ परमेश्वर का देखिए विश्वास
विश्वास उसके अंदर कितना था उस स्त्री के अंदर जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो उस स्त्री ने कहा केवल मैं उसके वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र यानी कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो स्त्री वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उनके घेर के खड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब वो स्त्री वस्त्र को छूती है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं कि मेरे से सामर्थ्य निकली है। पर इसीलिए परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। और वह उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा पुत्री ढढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो जाती है। हालेलुया। तो ये विश्वास आज हमारे जीवन में होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी भी देखभाल कर, पिता हमारी रक्षा कर, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे जो भी मेरे बच्चे हैं या मेरे पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, जो मेरे काम नहीं चल रहे हैं, जो मेरा वीजा नहीं लग रहा है, जो मेरी नौकरी नहीं मिल रही है, सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियों आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता आज जितने हताश हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन निराश अपने जीवन को लेकर के इस समय जो परेशानियां में हैं, बहुत सारी समस्याएं आज इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन को चंगा कर पिता, यीशु मसीह के नाम से। आज जितने विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक चीज को पिता परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर कर। आज जितने रोग आज उनके घर में है, आज जो परेशान हताश निराश है उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके घर से निकले पिता। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घरों में हर तरीके से बरकत और आशीष देने वाले हैं, आज इनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं, आज इनके कामों में मदद करने वाले हैं, आज जिनके पास नौकरी नहीं है, आज जिनके पास काम नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ पूरा होने पाए। इसलिए हम आज्ञा देते हैं, दुआ देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आज जो हर बीमार व्यक्ति है, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को आप जड़ से खत्म करें, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, विश्वास आज उनके जीवन में है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। आज जिनके बच्चों के मन में अनेक प्रकार की बुराइयां आ चुकी हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं, अनेक प्रकार के दुख आ चुके हैं, अनेक प्रकार की चीजें उनके मन में आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन में सर से लेकर के पैर तक तमाम और दुख दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से उसके पवित्र लहू के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया था, हम ये भी जानते हैं पिता परमेश्वर ने हर प्रकार के लकवे के रोगी को ठीक किया था। आज जो दुखी थे, आज जो परेशान हैं और जो पति और पत्नी के बीच में आज जो लड़ाई है, झगड़े हैं, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से वो सबको दूर होने पाए। आज जिनको आंखों में परेशानियां हैं, आज जिनके घर में जो विकलांग लोग यीशु मसीह के नाम से आज जो चंगे नहीं हो पा रहे हैं, आज उनके जीवन में पिता आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की घड़ी में जो आज वो दुखित हैं, उनका मन उदास है, हताश है, निराश है, आज उनके हर एक चीजों में परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष दे। आज वो अपने कामों में बरकत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जितने लोग आज आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, और जिनको जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में जो आंसू बहते हैं, आज जो अभी रो रहे हैं पिता परमेश्वर अपने दुख की बातों को लेकर के, जो उन्होंने पाप किया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब को स्वीकार करते हैं कि पिता आज हमारे जीवन में जो भी हमने पाप किया है उसे हम मानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो कार्य बंद पड़े हैं, आज जिनके घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से, आज के साथ ही संबंध नहीं हो पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और जिनके घर में आज बहुत बड़ी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके शादी नहीं हो पा रही यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए ब्लेसिंग के उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष दें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से निकाले पिता परमेश्वर। जो भी मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता, उसके लिए हम सब के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें आज उनके मन में हैं। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा,
आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा करिए और धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हम आज आपकी महिमा करते हैं। जब आपने यीशु मसीह को आपने देखा होगा, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, गूंगों को ठीक किया, टुंडों को ठीक किया, बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया, यहाँ तक कि जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से भी निकलेगी। आज वो आप आज हताश है, निराश है, बहुत सारी चीजों लेकर के बहुत सारे झगड़े हैं, आपके बहुत ज्यादा कोर्ट में मामला चल रहा है, आपके ऊपर केस हो चुका है, वो सब रद्द होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से। आज जिनकी नौकरी की तलाश है, आज जितने लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, आज जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर, वो रिसीव करते हैं इन द नेम जीसस इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आपने हर एक मसीह भाई बहनों को चंगा किया है, आपने ठीक किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, बीमारियां, दुख, अनेक प्रकार की घबराहट, अनेक प्रकार की चिंताएं, जो हार्ट के प्रॉब्लम हो चुके, कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से निकल जाए इस मसीह का, निकल, बोलिए कि मेरे जीवन से ये बीमारी है, ये दुख है, ये संकट है, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, ये देता हूँ इस मसीह के नाम से, निकल मेरे घर से, मेरे घर में जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम कर रही हैं, या मेरे पति के जीवन में, या मेरे पत्नी के जीवन में, या मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, आज मेरे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनका मन नहीं लगता है, आज वो हर एक चीज के लिए आप आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, वो सब कुछ ठीक होगा इस मसीह के नाम से, विश्वास करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं जो इनके घरों में वास करती है, इनके मनों में वास करती है, इनके कामों में आज वो दखल अंदाजी करती है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, सब कुछ दूर होगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों को धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी आर्थिक मदद करते हैं, सहायता करते हैं और प्रार्थना करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, आप QR कोड के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं, परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष देगा, आमीन।